वेलकम टेक वेट गुरु। मैं आपका विकास, आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो चैनल चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे जो एक बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न आपको हो रही है पेपर को लॉ करने में, उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। करीबन आपने करीबन 500 से 1000 कमेंट आपने इसी टॉपिक पे कर डाले हैं और मैसेज भी भेज डाले आप लोगों ने व्हाट्सएप पे, तमाम इसी प्रकार के कन्फ्यूज़न भरे सवाल हैं आपके कि आप के अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं 29 जून को, उसके बाद बच्चे पेपर लॉक करने के लिए जा रहे हैं, तो ओल्ड और न्यू वाले में उनको दिक्कत आ रही है और साथ ही आप लोगों को दिक्कत आ रही है कि आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा क्या, तो वो क्या चीज़ें हैं, मतलब तो कैसे आपको ये कन्फ्यूजन दूर होगी। तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने मैसेज भी दिया है, कमेंट पर रिप्लाई भी किया है इसी संदर्भ में, लेकिन कॉन्टिन्यू आपके उसी प्रकार के सवाल हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अभी बताता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। मैं आपको प्रोफाइल लॉगिन करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करें, दिक्कत ये है कि आप लोग अपनी प्रोफाइल को लॉगिन ही नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट हमारे पास मैसेज भेज दे रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं आप। पहले आप अपनी प्रोफाइल को करें लॉगिन, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, कौन कौन से एग्जाम होंगे, कौन से प्रैक्टिकल होंगे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो आपके पास अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पे उसको लॉगिन करें अपनी प्रोफाइल को। ठीक है, अब पूरी प्रोफाइल को आप पहले धीमे से चेक करें कि आपके कितने पेपर क्लियर हो चुके हैं, कितने बचे हैं, और अब जो बचे हुए हैं तो क्या उसके साथ हमको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। सब आपकी प्रोफाइल में शो हो रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हर एक की प्रोफाइल अलग अलग है तो मैं ऐसे आपको नहीं बता पाऊंगा। तो देखिए, मैं अभी एक प्रोफाइल को लॉगिन किया है। ठीक है, तो आपको जाना है सबसे पहले तो कोर्स पे, माई कोर्स पे क्लिक करेंगे। अगर मोबाइल में ओपन करेंगे तो इसको देर तक आपको प्रेस करना है, इस माई कोर्स के ऑप्शन को, तो ये वाला ऑप्शन पर खुला रहेगा, जाएगा नहीं। ठीक है, और फिर क्लिक करें व्यू डिटेल के ऑप्शन पे, पूरी एक बार वीडियो देख लिया करें, समझ लिया करें, उसके बाद ही आप लोग मैसेज किया करें। तो देखिए, यहाँ पे देखिए सब कुछ आपका शो होगा, ये मॉड्यूल आपके जो क्लियर हैं वो यहाँ पे शो होंगे, जो पास कर चुके हैं अब ये दोबारा नहीं होंगे। ठीक है, मान लीजिए जो बच्चे प्रैक्टिकल पास हैं, जैसे कि देखिए ये जो स्टूडेंट है इनका देखिए प्रैक्टिकल पास है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पास कर लिया है जुलाई 2019 में, तो क्या अब ये प्रैक्टिकल आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, इसी में बच्चे उलझे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, नायलट ने कहा है कि जिनके प्रैक्टिकल पहले से मान लीजिए क्लियर है, चारों मॉड्यूल और प्रैक्टिकल क्लियर है, तो उनका तो ओ लेवल कंप्लीट है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके चारों मॉड्यूल क्लियर है और प्रैक्टिकल नहीं क्लियर है, तो उस केस में क्या होगा, जब आपके चारों मॉड्यूल क्लियर होंगे और प्रैक्टिकल आपका नहीं क्लियर होगा या आपने अभी जनवरी में दिया होगा आपका फेल निकल के आया है, तो उस केस में आपको ओल्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ओल्ड वाले ऑप्शन से आप उसको लॉक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक मॉड्यूल होना चाहिए न्यू वाले पैटर्न से देने के लिए, आपके तो पहले से ही पास है, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपको इसके चारों देने पड़ेंगे, तो ये है सिंपल सा रूल। तो उस केस में क्या होगा, इसीलिए देखिए नायलट ने दो डेटें आपको दी है यहाँ पे, अगर मैं आपको डेट दिखाऊं सिंपल से, एक बार वाली वीडियो को प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे कंफ्यूजन में हैं। ठीक है, मैं आपको डेट भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा रूल है, बहुत ही सिंपल सा, देखिए ये जो है R5 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये उनके लिए है जिनके चारों पेपर क्लियर है पहले से, और अगर उनका प्रैक्टिकल पेंडिंग है तो फिर वो इसके लिए जा सकते हैं ओल्ड वाले लिंक पे क्लिक करके, आपके में ओल्ड और न्यू लिख के आ रहा होगा। ठीक है, तो ओल्ड वाले पे क्लिक करके आप लॉक कर सकते हैं, सिंपल सा है। इसकी फीस वही आपकी लगेगी 500 प्लस 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस, तो टोटल आपकी 600 रुपये इसमें लगेगी। ठीक है, ये उनका लिए है जिनके चारों पेपर पहले से क्लियर है, खाली प्रैक्टिकल बचा हुआ है। अब ये पहला केस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, तो आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, अलग अलग नहीं देना है आपको, ओल्ड पैटर्न से देना है, चारों का एक साथ एक पेपर मिलेगा। ठीक है, वो ये वाला हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ये दिए, अब इसमें उन लोगों के होंगे जिनका मान लीजिए एक मॉड्यूल बचा है या दो मॉड्यूल बचे हैं या तीन मॉड्यूल बचे हैं या चारों मॉड्यूल बचे हैं, उनका फिर ये वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए आपका M1 में और M2 में आप पास हो गए हैं, ठीक है, अभी जो रिजल्ट आया, अब आपका बचा है M3 और M4 का एग्जाम बचा हुआ है मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, M3 का आपके लिए ये वाला लॉक हो जाएगा प्रैक्टिकल नंबर 3, M4 के लिए प्रैक्टिकल नंबर 4 आपका लॉक हो जाएगा, तो दोनों आपको देने पड़ेंगे, चाहे भले ही आप पहले प्रैक्टिकल पास भी कर चुके हों तब भी। ठीक है, तो ये सिंपल सा आप रूल समझ लें, अगर आप पहले से मान लीजिए आपने M1 और M2 पहले मान लीजिए कभी दिया हो जुलाई अगस्त में, M1 M2 दिया था, साथ में आपने प्रैक्टिकल भी दिया, प्रैक्टिकल में पास भी थे। ठीक है, लेकिन अब जो बचा है, जैसे मान लीजिए M3 बचा और M4 आपका बचा या कोई और मॉड्यूल बचा, तो उस मॉड्यूल का आपको प्रैक्टिकल आपको लॉक करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, आपको टिक करने की जरूरत नहीं,
समझ में आ गया। तो यही एक छोटी सी मिस्टेक है आपकी जिसको आपको समझ में नहीं आ रही है। इसी संबंधित कम से कम बहुत से कल से मैं कमेंट की रिप्लाई यहाँ पे दे चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और रीटोटलिंग के लिए भी बच्चे बोल रहे हैं, तो रीटोटलिंग आप लोग ना करें क्योंकि अभी तक जनवरी आपका जुलाई वालों का रीटोटलिंग का रिजल्ट नहीं आ पाया है, इतना डिले है, स्लो है थोड़ा वर्क नॉलेज का। तो उससे अच्छा है कि आप लोग री एग्जाम दें, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार के बहुत सारे कमेंट, जैसे कि ये है कमेंट आया अभी, सर मैंने सितंबर 2021 में M1 और M2 का एग्जाम पास कर लिया था, ठीक है, फिर जनवरी 2022 में अप्लीकेशन फिल किया, इसमें फेल हो गए, ठीक है, फिर जुलाई 2022 में M3 विद प्रैक्टिकल का फॉर्म फिल कर दिया। तो सर आप ये बता दीजिए जो प्रैक्टिकल होगा वो सिर्फ M3 सिलेबस से ही प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आएगा या सभी से आएगा? आप देखिए ये ऐसे ऐसे कमेंट हैं, ठीक है। तो देखिए साफ साफ मैं आपको क्लियर बता ही दिया हूँ, जैसा कि अगर आप ये एग्जाम डेट सॉरी बैक करते हैं इसको, तो अगर हम डेट पे देखें तो देखिए सिंपल सा है, आप कमेंट का रिप्लाई करने का क्या मतलब बनता है यहाँ पे। देखिए अब इन्होंने इनका जो बचा हुआ है वो जुलाई में, देखिए M3 और इन्होंने उसका प्रैक्टिकल लॉक कर दिया, तो M3 और जब M3 का ही आपने सिर्फ लॉक किया है तो आपका इसी का थ्योरी होगा, इसी का प्रैक्टिकल होगा, इसमें कौन सी बताने वाली आपको चीज है कि क्या सर इसमें, और भी आप लोगों को डाउट बहुत ज्यादा है तो सर बता दीजिए क्या खाली M3 के क्वेश्चन भी आएंगे या कोई और क्वेश्चन भी आएंगे? तो देखिए सिर्फ जो आपने लॉक किया होगा उसी से ही संबंधित क्वेश्चन आएंगे, पाइथन लॉक किया होगा तो पाइथन के ही 4 क्वेश्चन मिलेंगे, IoT का प्रैक्टिकल लॉक किया होगा तो IoT के 4 क्वेश्चन मिलेंगे, M2 लॉक किया होगा तो M2 के 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें से 3 आपको करने हैं न्यू सिलेबस के अनुसार। समझ में आ गया? अब मेरे अनुमान से कोई आपकी डाउट नहीं होगी। इसी प्रकार के बहुत सारे अगर मैं आपको कमेंट दिखाऊं तो आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। मैंने कल से कम 100-200 के रिप्लाई तो कर ही दिए थे, बाकी आप लोग अपना देख लें, ठीक है। तो यही है सिंपल सा पैटर्न लॉक करने का तरीका जो मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस पे आपको लिंक जैसे आप जाएंगे और लास्ट डेट है 5 जुलाई, तो उससे पहले अपना लॉक कर लें। तो देखिए एक ये प्रोफाइल हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में जिसमें भी आपको सुटेबल लगे वो लॉक कर दें। अब यहाँ पे देखिए लिख क्या रहा, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न, ठीक है। तो देखिए ओल्ड पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इनके में मैसेज होगा शो, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई ओल्ड पैटर्न। अब देखिए इनके में क्यों नहीं हो रहा है लॉक, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इनके मॉड्यूल पेंडिंग है। तो जिनके भी मॉड्यूल पेंडिंग होंगे, यानी कि मान लीजिए M1 M2 M3 कोई भी एक पेपर आपने अभी पास नहीं किया होगा यानी फेल हो गए होंगे, तो उस केस में फिर आपका ऑटोमेटिकली न्यू वाले पे चला जाएगा, ठीक है। तो न्यू वाले पे जैसे ही जाएगा तो न्यू वाले देखिए मॉड्यूल आ जाएंगे, M2R5 आ गया यहाँ पे 23 अगस्त को है, M3 का आ गया, इनके 2 एग्जाम देखिए पेंडिंग है। अब ये मान लीजिए कोई भी एग्जाम पे सेलेक्ट करते हैं तो इनका देखिए प्रैक्टिकल का ऑप्शन भी आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे टिक नहीं करना है आपको, ठीक है, जैसे इसको टिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये देखिए लॉक हो गया, हो गया ये देखिए इसकी पेमेंट कैलकुलेशन होके आ गई। उसी प्रकार से पाइथन पे क्लिक करेंगे ये भी लॉक हो गया, देखिए 2100 रुपये फीस हो गई। समझ में आ गया? तो ये है सिंपल सा पैटर्न आपको लॉक करने का मैंने बता दिया। अपनी अपनी प्रोफाइल को लॉग इन करें और जहां पे एग्जाम लॉक होता है वहां पे आके देखें कि आपके कितने प्रैक्टिकल होंगे, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ये एरिया में आपका देखिए सब लिखा हुआ है, ठीक है। यही आप लोग नहीं देख रहे हैं और सीधे हमारे पास मैसेज कर दे रहे हैं व्हाट्सएप पे या कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें तो वो अगर आपके जो भी फ्रेंड हो और आपके आपके ग्रुप के हो या आपके साथ किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो या किसी और अदर चैनल से जुड़े हो तो ये वीडियो उनको शेयर कर दें, मेरे मान से उनको हेल्प मिल जाएगी अगर वो पेपर लॉक करने में दिक्कत आ रही है या कन्फ्यूजन है। तो अब मैंने यहाँ पे डाउट आपकी क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो जिनके पहले से 4 मॉड्यूल क्लियर है अगर उनका प्रैक्टिकल बचा हुआ है तो ओल्ड पैटर्न से उनका प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। जिनका अगर कोई भी मॉड्यूल बचा हुआ है पास नहीं हुए हैं या फिर अभी फेल का रिजल्ट आया है तो उस केस में फिर आपका न्यू पैटर्न से होगा, साथ में उसका प्रैक्टिकल भी आपको देना पड़ेगा, सिंपल सा ये है। और जिस भी प्रैक्टिकल का लॉक करेंगे उसी के क्वेश्चन आएंगे आपके, ये नहीं कि आपने मान लीजिए M2 का लॉक किया तो आपके में M1 के क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं होगा, ये उनके में होगा जिनका ओल्ड वाले से होगा, ठीक है। तो ये है सिंपल सा तरीका, और लॉक कर दें फटाफट। डेट आपकी जो है वो है यहाँ पे देखिए दी गई है 5 जुलाई से, ये बढ़ेगी नहीं डेट, ठीक है। तो इसको कोशिश करें इससे जल्दी आप इसको लॉक कर दें, ठीक है। और दूसरा है जिनके प्रोजेक्ट नहीं सबमिट है, देखिए जैसे कि ये प्रोफाइल है इनका तो मैं दिखा देता हूँ, तो अपना यहाँ पे माई कोर्स में एक बार जाके व्यू डिटेल पे क्लिक करके यहाँ पे देख लें, ठीक है। तो देखिए अभी इनका प्रोजेक्ट पेंडिंग है, ठीक है। तो जिनका यहाँ पे प्रोजेक्ट शो हो रहा है
पेंडिंग में हैं, तो वो लोग फटाफट क्या करें, अपने प्रोफाइल पे जाएं और 100 रुपये की यहाँ पे होगी पेमेंट, ठीक है। तो उस पेमेंट को यहाँ से आप कर दें कि लिखिए टू, ये पेमेंट है, ये प्रैक्टिकल की पेमेंट नहीं है, ये आपके प्रोजेक्ट की पेमेंट है, ठीक है। इस पे आप इस प्रकार से टिक करें और प्रोसीड पे क्लिक करके 100 रुपये की पेमेंट कर दें। PJ1 नाम का कोड होगा, जैसे पेमेंट कर देंगे यहाँ पे आपकी पेमेंट की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो इस डिटेल को आप हमारे पास सेंड कर देंगे हमारे नंबर पे, ठीक है। तो आपकी जो फीस लगेगी वो मैंने अभी डिस्काउंट कर दिया, 500 रुपये आपकी जो है फीस कर दी है प्रोजेक्ट की, ठीक है। 500 रुपये में आपका जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट हो जाएगा। 7007659485 पे मैसेज करके आप मैसेज कर दीजिए, सर ओलेवल का प्रोजेक्ट हमको सबमिट करना है, दो एग्जाम हम पास हैं और डायरेक्ट स्टूडेंट है या इंस्टीट्यूट से हैं, आपका सबमिट हो जाएगा। हो सकता है इंस्टीट्यूट में आपसे 1000 रुपये या फिर 1500 रुपये फीस ले जा रहे हो, यहाँ पे आपका आधे में ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पर लगा दें, एक दिन की बात है, इससे लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।